राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सीईओ दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने शिवपुरी का भ्रमण किया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनमन कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। सहरिया आदिवासी बाहुल्य हाथोद का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से चर्चा की, जनमन अभियान की जानकारी दी। स्पुटम ब्रांच के लिए क्या कर रहे हो? दो पेशेंट हैं, उनके स्पुटम कलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर क्या करोगे? ट्यूमर लगाएंगे, लैब में ले आके ट्यूमर लगाएंगे। अच्छा अच्छा, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए फिर आपके आपके ऐप में कैसे आप करेंगे? मोबाइल नंबर से उनकी आईडी बनाएंगे निक्षेप में, निक्षेप पोर्टल पे, और उनके पूरा डॉक्यूमेंट जैसे कि ना आधार कार्ड, आभा आईडी बनाएंगे, आभा आईडी बनाओगे, फिर और इसके बाद उनका अकाउंट चलाएंगे, और जैसे ही उनका इंसेंटिव जनरेट होगा तो उनको जो सरकार की योजना 500 रुपए की अकाउंट में जाएगा। और दवाई को भी रिकॉर्ड करोगे उसके अंदर, आपके अंदर व्यवस्था है ना? दिखा दिखाइए विधायक जी को, दिखाइए, दिखाना चाह रहे हैं इसमें आप आपको कैसे पता आशा के थ्रू हम लोग को टैबलेट देते हैं, और जैसे है ना जो ऐप आता है कार्ड देते हैं उसको फोन लगाते हैं, अच्छा वहाँ से फोन से अपडेट हो जाएगा। ओके, और इसमें जो रिकॉर्ड अपडेशन करना है अपने को उसकी आभा आईडी के साथ, वो क्या क्या अपडेट हो रहा है? नहीं नहीं, मैं आभा आईडी क्रिएट करने की बात नहीं करूँ, आभा आईडी क्रिएट करने के बाद में जो उनका इलाज हो रहा है वो भी उसके अकाउंट में डालना है ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।